आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने बाकी के youtube चैनल यानी 24 hour seven teachers online और की to success का भी url नजर आ रहा है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनके urls दिए गए हैं आप जल्दी से उन चैनल्स को भी ओपन करें और उनको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि 24 hour seven teachers online के ऊपर मेरे अपने लेक्चर्स अवेलेबल हैं और key to success के ऊपर आपको मैं मिड टर्म फाइनल टर्म और ग्रैंड क्विज की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड है और इन दोनों चैनल के ऊपर जो कंटेंट अपलोड है आप इससे भी फायदा उठाएं और इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स की तरफ और सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स है क्या दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर हमें एक केस दिया गया है A advertisement company is engaged in a new advertisement campaign activity to boost its sale. This time the company is reversing its uh, revising its cost management policy by changing its fixed expenses in the form of employee salaries into the variable expenses. Currently, the company is following policy X in which the company employee get their salaries on fixed payroll basis. Under the policy, the variable portion of the cost. Uh, is at 70% of the fail Now the company is planning to uh, follow policy Y under which it will pay the employees based on the uh, level of fail they generated. This policy uh, will increase the variable cost of the company to 85% of the fail but fixed cost will significantly drop. डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन हमें जो है एक कंपनी के बारे में बताया गया है आ, पहले जो है वो कोई और सिस्टम फॉलो कर रही है लेकिन अब जो है वो सैलरीज को अपनी सेल के साथ एंगेज कर रही है और वो पहले ये कहते हैं कि हम 70% ऑफ द फेल देंगे फिर वो 85% ऑफ द फेल पर चले जाते हैं तो ये डिफरेंट वो मेथड यूज कर रहे हैं और उनके पास तीन डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन हैं। तो वो कंडीशन क्या हैं? वो हमारे पास जो है रिफेशन है नॉर्मल है बूम है और इसी तरह कंपनी की एक एक्स पॉलिसी है जो कि 70% ऑफ द फेल है और एक वाई पॉलिसी है जो कि हमारे पास 85% ऑफ द सेल है इसमें हमें फेल भी दी गई है वेरिएबल कॉस्ट भी दी गई है और फिक्स्ड कॉस्ट भी दी गई है हमने करना क्या है हमने जो है इसके साथ ही चार रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट टर्न बाय द कंपनी अंडर ईच इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फॉर बोथ पॉलीफ हमने जो है सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकालना है इन ईच इकोनॉमिक कंडीशन उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फेस बाय द कंपनी अंडर ईच इकोनॉमिक कंडीशन फॉर बोथ पॉलिसी और फिर हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकालनी है पॉलिसी एक्स की भी और पॉलिसी वाई की भी इसके बाद है विच पॉलिसी रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज कंसीडरिंग ईच इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड ओनली नेम ऑफ द पॉलिसी हमने जो है फिर ये बताना है कि कौन सी पॉलिसी पॉलिसी एक्स या पॉलिसी वाई इसमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है है जिसके अंदर हाईली मतलब रिलेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज है। इसके बाद आखिरी जो है वो है अंडर विच पॉलिसी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गेट्स लेस अफेक्टेड ड्यू टू तो चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन वाई दैट और फिर हमने ये बताना है कि कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो चेंज इन कंडीशन यानी नॉर्मल और बूम ये जो कंडीशन इकोनॉमिक चेंज हो रही हैं इसका जो इफेक्ट है वो किस पॉलिसी के ऊपर जो है वो पड़ता है और किस पॉलिसी के ऊपर नहीं पड़ता है ये हमने बताना है और ये है दोस्तों हमारी इस असाइनमेंट की चार रिक्वायरमेंट पहले हमें केस दिया गया है उसके साथ ये पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई दी गई है और हमने चार रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है और फिर हमने हाई डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज वाली पॉलिसी बतानी है और आखिर के अंदर कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो अफेक्ट नहीं होती दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी इस असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ तो सबसे पहले जो है हमने जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर वन आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है इन विच वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हर जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसके ऊपर हमने जो है कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दोस्तों यहाँ पे ये वही टेबल है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है और बताया गया है और हमने जो है इसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे देखें वेरिएबल हमें दिए गए हैं पॉलिसी एक्स है पॉलिसी वाई है इकोनॉमिक कंडीशन है सेल्स है, है पहले एक लाख नब्बे हजार दो लाख चालीस हजार तीन लाख साठ हजार एक लाख नब्बे हजार दो लाख चालीस हजार और तीन लाख साठ हजार ये सारी की सारी वही आ गए हैं ऊपर दोनों पे जो है पॉलिसी एक्स लिखा हुआ है आपने राइट साइड पे जो है उसको पॉलिसी वाई कर लेना है इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट है एक लाख तेतीस हजार एक लाख अठासठ हजार दो बावन हजार एक इकासठ पांच सौ दो लाख चालीस हजार तीन लाख छह हजार इसी तरह हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पॉलिसी एक्स की साठ हजार है और जो हमारे पास पॉलिसी वाई है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो दोस्तों ये है कि सेल सेल माइनस माइनस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट जब हम में से को कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है क्योंकि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये सारे जो प्रोसेस है ये हम उसी के लिए कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी 33, तो ,000, ,000, एक लाख नब्बे हजार माइनस एक तेतीस तो सत्तावन हजार दो लाख चालीस हजार एक अठासठ माइनस करेंगे तो हमारे पास बहत्तर हजार तीन लाख साठ हजार माइनस दो लाख बावन हजार तो हमारे पास एक लाख आठ हजार एक लाख नब्बे हजार माइनस एक इकासठ पांच सौ तो ये हमारे पास अट्ठाईस पांच सौ आ गया दो लाख चालीस हजार और माइनस दो लाख चार हजार तो ये हमारे पास छत्तीस हजार आ गया इसी तरह तीन लाख साठ हजार और माइनस तीन लाख छह हजार तो ये हमारे पास चौवन हजार आ गया जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है तो उसमें से हम फिक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा हमारा इसमें से साठ हजार माइनस सत्तावन हजार तो ये हमारे पास माइनस तीन हजार आ जाएगा इसके बाद हमारे पास जो है साठ बहत्तर हजार और उसमें से फिक्स माइनस करनी है तो सत्तावन हजार माइनस साठ हजार तो ये हमारे पास माइनस तीन हजार आ गया इसी तरह बहत्तर हजार माइनस साठ हजार तो ये हमारे पास बारह हजार एक लाख आठ हजार माइनस साठ हजार तो ये हमारे पास फिरतालीस हजार यहाँ पे अट्ठाईस हजार पांच सौ माइनस बीस हजार तो आठ हजार पांच सौ छत्तीस हजार माइनस बीस हजार तो ये हमारे पास सोलह हजार चौवन हजार माइनस बीस हजार तो ये, हमारे 34 तो ये है दोस्तों रिक्वायरमेंट नंबर वन जो है वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम ट्वेंटी फोर सेवन टीचर्स ऑन है इसके ऊपर मेरे को ऑलमोस्ट बीस सब्जेक्ट के अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप टीचर लाइन को जरूर विजिट करें और वहां पे जो लेक्चर दिए गए हैं आप उनसे भी फायदा उठाएं और इसका जो यू है वो आपको पहले स्क्रीन पे भी दिखाया था और इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों इसके बाद बारी आती है, आ, हमारी नंबर नंबर की अब के अंदर हमें क्या कहा गया है रिक्वायरमेंट नंबर टू में हमें कहा गया है कि हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हमने लिखा लिवरेज अब लिवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका जो है हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है वो हमारे पास ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो हम तीन हजार तकसीम सत्तावन बार तो हमारे पास उन्नीस आ गया और हमने फिर बारह बारह हजार तकसीम बहत्तर बार तो ये हमारे पास छह आ गया बारह चौक बहत्तर यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो, तो बहत्तर हजार तो पांच सौ हजार पांच हमारे पास तीन शर्या तीन पांच बनता है छत्तीस हजार और तकफीम सोलह हजार तो ये हमारे पास दो शरिया दो पांच बनता है इसी तरह चौवन हजार तकफीम चौंतीस हजार तो ये हमारे पास एक शरिया पांच नौ बनता है तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटिंग uh, लिवरेज आ गया पॉलिसी uh, एक्स का भी और पॉलिसी वाई का भी इससे हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर टू भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हमारी बारी आती है रिक्वायरमेंट नंबर थ्री की अब रिक्वायरमेंट नंबर थ्री के अंदर क्या है हमने ये बताना है कि कौन सी जो पॉलिसी है वो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज के ऊपर है दोस्तों इसके साथ आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम की uh, टू है उसके ऊपर आपकी मिड टर्म की तैयारी के हवाले से आपकी फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से काफी अच्छा मटेरियल अपलोड है उसका भी यूआरएल uh, जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां पर जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वहां पर जो कंटेंट अवेलेबल है उससे भी फायदा उठाएं दोस्तों हमने अब हाई लिवरेज कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों इसमें हमने हर जो इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है इसमें रिसेशन है नॉर्मल है बूम है उनको देखना है और उसमें बताना है कि कौन सी जो हमारी पॉलिसी है वो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है अगर हम सबसे पहले देखें रिसेशन को तो रिसेशन में देखें हमारे पास जो सबसे पहले है वो माइनस उन्नीस है लिवरेज और अगर हम पॉलिसी वाई को देखते हैं वो तो उस मेरे सेशन में जो हमारी है लिवरेज वो तीन शारिया तीन पांच है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसी वाई है वो रिसेशन के अंदर जो है उसकी हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो यहाँ पे देखें रिसेशन जब मैंने लिखा है तो वहां पे पॉलिसी वाई जो है उसको मैंने जो है हाई ऑपरेटिंग लिवरेज लिख दिया है इसके बाद हमारा नॉर्मल आता है नॉर्मल के अंदर देखें हमारे पास जो है वो सिक्स है और 2.25 है तो फिक्स जो है वो ज्यादा है तो मैंने इसको पॉल्फी एक्स जो है वो नॉर्मल के अंदर हमारा हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है इसी तरह अगर मैं बूम वाले पीरियड को देखता हूं तो बूम के अंदर भी 2.25 है और पॉल्फी वाई का जो है वो 1.59 है तो पॉल्फी एक्स जो है उसका हाई ऑपरेटिंग लिवरेज है तो इसलिए पॉल्फी एक्स को जो है वो मैंने बूम के अंदर भी हाई ऑपरेटिंग लिवरेज लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नंबर थ्री है वो भी पूरी हो जाती है इसके बाद बारी आती है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर फोर की अब फोर के अंदर हमने क्या करना है फोर के अंदर हमने ये बताना है कि कौन सी पॉलिसी एक्स या पॉलिसी वाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसका जो इफेक्ट है वो चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन मतलब उसके ऊपर ज्यादा इतना असर नहीं पड़ता तो वो हमारे पास रिसेशन है नॉर्मल है और बूम पीरियड है पॉलिसी एक्स के अंदर भी और पॉलिसी वाई के अंदर भी तो ये जो रिसेशन नॉर्मल और बूम पीरियड है ये बेसिकली हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि वेरी करती है और इनका हमने जो है इफेक्ट चेक करना है दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं तो बहुत सारे दोस्तों को यही शिकायत होती है कि मोहसिन भाई जो वो फाइल शेयर नहीं करते तो दोस्तों फाइल्स का ये है कि वो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो जॉब होल्डर हैं और मुझे पे करते हैं असाइनमेंट बनाने के अगेंस्ट तो मैं जो है वो फाइल्स उनको देता हूं अगर आप भी अपनी असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मैं इंडिविजुअल असाइनमेंट तो नहीं बनाता लेकिन हाँ अलबत्ता अगर कोई मुझे मतलब पूरे एल को हैंड ओवर करे यानी कि उसमें जितनी असाइनमेंट जितने जी डीबी जितने कोई आएंगे तो वो मैं जरूर करता हूं तो वो मैं इनशाला आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप करके मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनशाला मैं आपको भी फाइल्स बना के दूंगा तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर फोर है उसमें जस्ट हमने पॉलिसी का नाम बताया है तो यहां पे मैंने लिख दिया पॉलिसी एक्स हैव नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन कि आप जो पॉलिसी एक्स है उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन का इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं पड़ता उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि रिसेशन के अंदर तो हमारी चलें नेगेटिव के अंदर है लेकिन हमारी जो नॉर्मल है और बूम पीरियड है इसमें जो है हमारे पास जो है इसकी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है ड्यू टू दिस Uh, जो है मैंने ये कहा है कि पॉलिसी एक्स हैव नो अफेक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन तो इस तरीके से जो है हमारी रिक्वायरमेंट नंबर जो फोर है वो भी पूरी हो जाती है तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट मैंने आइडिया आपको दे दिया है उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गया होगा आप इसको एस एन आइडिया ही प्रसिव किया करें जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कमेंट जरूर किया करें और मेरे चैनल ट्वेंटी फोर सेवन टीचर ऑनलाइन की टू सक्सेस को भी जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट भी करें दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन साथ या जे डी सोल्यूशन के साथ उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज